दोस्तों, जब कोई साधारण इंसान कुछ बड़ा करता है तो अपने आप ही वो हमारे आप जैसे कॉमन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, क्योंकि उसे देखकर लगता है यार ये तो बिल्कुल अपनी तरह का बंदा है और जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। आज ऐसे ही एक इंसान के बारे में जानेंगे जिनका नाम है संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी आज भारत के सर्वोत्तम एंटरप्रेनर में से एक है। वो imagesbazaar.com के सीईओ और संस्थापक है। संदीप जी की कंपनी सालाना करोड़ों की कमाई करती है, लेकिन संदीप जी अपने इस imagesbazaar.com कंपनी की वजह से इतने मशहूर नहीं है, बल्कि वे तो अपने इंस्पिरेशनल सेमिनार्स और भाषणों से पूरे विश्व में सबके चहेते हैं। संदीप माहेश्वरी उन करोड़ों लोगों में से एक है जिन्होंने संघर्ष किया, असफल हुए और अपने सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ते गए। वे अन्य लोगों की तरह ही साधारण परिवार से ही थे, लेकिन अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनके पास बहुत सारे सपने और उन्हें पूरा करने की दृष्टि थी। संदीप जब छोटे थे तब किसी चीज के लिए पिता से जिद की। पिताजी का जवाब आया, मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ जो सारी फरमाइशें पूरा करता रहूं। फिर संदीप ने माँ से पूछा, ये टाटा बिरला क्या होता है? तो माँ ने कहा, ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ढेर सारे पैसे होते हैं। तब उस छोटे से बच्चे ने बड़ा बनकर टाटा बिरला बनने का फैसला किया, मगर लोग उस छोटे से बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। पर ये मजाक उड़ाना, डिस्करेज करना जारी रहा, कभी किसी चीज को लेकर तो कभी किसी और चीज को लेकर। और बड़े होते होते ये बातें संदीप के दिमाग में इतनी बैठ चुकी थी कि 10-15 हजार की नौकरी मिल जाए तो बहुत है। संदीप माहेश्वरी का जन्म दिल्ली के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई और कॉलेज की पढ़ाई किरोरीमल कॉलेज में की, पर उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले ही कॉलेज छोड़ दिया। उनकी जीवन की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। संदीप के पिता एल्यूमिनियम का बिजनेस करते थे, लेकिन एक रात किसी बात को लेकर उनकी पार्टनर से झगड़ा हुआ और उन्होंने उस बिजनेस को छोड़ दिया। फिर परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व उन पर आ गया। एक आदर्श पुत्र की तरह अपने परिवार को आर्थिक संकटों से निकालने की पूरी कोशिश उन्होंने की। उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम किया जिसमें घरेलू चीजों को बनाना और बेचना होता था। उनकी फैमिली ने एक STD PCO की शॉप शुरू की जिसमें वो भी हेल्प किया करते थे। परिवार के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करने लगे, पर हर तरफ निराशा, उम्मीद की कोई किरण नहीं। टाटा बिरला का ख्वाब देखने वाला लड़का अब 5-6 हजार की नौकरी के बारे में सोचने लगा। एक दिन किसी के बुलाने पर वो एक कंपनी में सेमिनार के लिए गए। 3 घंटों में वहां उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अंत में जब एक लड़के ने स्टेज पर खड़े होकर बताया कि उसकी उम्र 21 साल है और वो महीने का 2.5 लाख कमाता है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचते थे कि 20 हजार रुपए ही कमाना बहुत मुश्किल है। फिर उनके मन में विचार आया कि यह लड़का जो 21 साल का है और महीने का 2.5 लाख कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं। अब संदीप माहेश्वरी के दिल और दिमाग में दो ही शब्द उभरे, आसान है। यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। MLM कंपनी में सक्सेसफुल होने के लिए वो जी जान से जुड़ गए, पर सफल नहीं हो पाए। एक बार फिर उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा, पर वो निराश नहीं हुए। ये काम उन्होंने दूसरे की मोटिवेशन से किया था, उनकी अपनी खुद की डिजायर नहीं थी। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने वहां देखा कि अपने जैसे बहुत सारे मॉडल बनने की कतार में थे, पर उन्हें एजेंसी से धोखा मिलता था क्योंकि ज्यादातर एजेंसी फ्रॉड होती थी। मॉडलिंग की दुनिया में मॉडल्स का शोषण देखकर उन पर काफी गहरा प्रभाव हुआ और उन्होंने जूझ रहे मॉडल्स की मदद करने की ठान ली। फिर संदीप माहेश्वरी ने फोटोग्राफी करने की सोची जिससे वे मॉडल्स के पोर्टफोलियो सस्ते दर पर बना सके। मैश ऑडियो विजुअल्स नाम की एक कंपनी खोली जो मॉडल्स के पोर्टफोलियो बनाती थी, पर इसमें भी वो सफल नहीं हुए। फिर उन्होंने कुछ दोस्तों को लेकर एक कंपनी शुरू की, पर वो भी नाकाम रही और 6 महीनों में बंद हो गई।
अपने फेलियर के अनुभव से संदीप ने एक मार्केटिंग की बुक लिखी। यह लिखने से पहले उन्होंने काफी सारे बुक्स पढ़े जो कि उनके काम आए। इस बुक की खासियत यही थी कि ये बुक पीछे से स्टार्ट होता था और उसमें लिखा था कि अगर आप बुक पढ़ने का तरीका नहीं बदल सकते तो आप विचार कैसे बदलेंगे। पर इसमें कोई खास सक्सेस नहीं मिली। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपनी फोटोग्राफी के साथ कंटिन्यू हो गए। इतनी नाकामियों के बाद कोई भी घुटने टेक दे, मगर संदीप माहेश्वरी का हौसला बुलंद रहा। उन्होंने हार नहीं मानी। पर फोटोग्राफी में भी बहुत लोग थे। फिर दिमाग में आया कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए जिसे सब लोग उनको जान जाए। फिर उन्होंने 2003 में मात्र 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 से भी ज्यादा फोटो लेकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया और लोग भी उन्हें जानने लगे। इन्हीं दिनों उन्हें अपनी वेबसाइट बनाने का विचार आया जिस पर इंडियन मॉडल्स के इमेजेस हो। 2006 में उन्होंने अपनी imagesbazaar.com वेबसाइट लॉन्च की, पर शुरुआत में ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता था क्योंकि इमेजेस लोड होने में बहुत टाइम लगता था। फिर उन्होंने इंटरनेट और बुक्स पढ़कर प्रोग्रामिंग सीखे और डेवलपर्स के साथ मिलकर imagesbazaar.com के प्रॉब्लम का हल निकाला। आज इमेजेस बाजार दुनिया का सबसे बड़ा इंडियन फोटोज का कलेक्शन है। इमेजेस बाजार में भारत के 1 करोड़ से भी ज्यादा फोटोज है और साथ ही 45 देशों में 7,000 से भी ज्यादा ग्राहक है। आज आप अखबारों, मैगजीन्स और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे जितने भी एड्स देखते हैं उनमें से ज्यादातर इमेजेस बाजार की फोटोग्राफ्स होती है। 29 साल की आयु में भारत का सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति चुना गया। एक सफल एंटरप्रेन्योर के साथ साथ दुनिया के करोड़ों लोगों के आदर्श और यूथ आइकॉन भी बने। वे लगातार लोगों को प्रेरित करते रहे और जीवन में फेल होने का डर ही निकाल दिया, और उनके इस अच्छे काम के लिए दुनिया भर में लोगों का साथ और प्यार मिलता गया। सफलता के इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद भी उन्हें कभी पैसों का लालच नहीं आया। उनका कहना है, पैसे की इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की है, न उससे ज्यादा न उससे कम। संदीप माहेश्वरी अक्सर कहते हैं आसान है और लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। संदीप जी को उनके सफल बिजनेसमैन और इंस्पिरेशनल सेमिनार्स के लिए अनेक पुरस्कार मिले हैं और सम्मान मिला है। एक बार संदीप माहेश्वरी को पूछा कि आपकी सबसे बड़ी सक्सेस क्या है, तब संदीप जी ने कहा, एक बार एक बच्चे की फोटो प्रिंट हुई, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी माँ आई, उनकी आंखों में आंसू थे, मुझसे बोली थैंक यू, यही मेरी सबसे बड़ी सक्सेस है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूंगा जो आपका सपना पूरा करने में आपका हौसला बढ़ाएंगे।